हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजहंस का पालन कैसे किया जाता है इसके बारे में बतलाऊंगा। आप देख सकते हैं ये राजहंस है सफ़ेद कलर के। ऐसे तो राजहंस दो कलर में पाए जाते हैं, एक सफ़ेद और एक हल्का भूरा कलर का होता है। राजहंस की खासियत ये होती है कि ये जिस एरिया में भी ये रहते हैं उस एरिया में आपको सांप बिच्छू कोई भी जहरीला कीट पतंग आपको नहीं मिलेगा, और इनका मीट भी लोग खाते हैं लेकिन शौकिया तौर पे इनको इनकी खूबसूरती के लिए ही पाला जाता है। अधिकतर लोग खूबसूरती के लिए, घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी इनका पालन करते हैं। आप हंस से आप मीट अंडा दोनों प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान भाई लोग हैं जो इससे मुनाफा कमाना चाहते हैं वो इनका पालन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो मैडम हैं वो हंसों को चारा खिला रही हैं। इनको पालना कोई बड़ी कठिन बात नहीं होगी, क्या कि इनको आप सूखे जगहों पे भी इनको आप रख सकते हैं। छोटे बतख की तरह इनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। पानी है तो बहुत ही अच्छा होगा, पानी यदि है तो तैरने के लिए इनको सुविधा होगा। और क्या होता है कि इनको सूखे जगह में भी रखते हैं तो ये वहाँ पर आसानी से आप ग्रोथ करते हैं। ये साल में दो बार ऐसे होली के आसपास एक अंडा देती हैं और एक बार आपका दिसंबर के आसपास में अंडा देती हैं। आप देख सकते हैं अंडा, इनका बड़ा साइज किस तरह का अंडा होता है, और ये 6-7 अंडा देती हैं एक बार में। उसके बाद ये उसको अंडा को तैयार करती हैं। 25-30 दिन उनको सेकने के बाद उससे चूजे निकल आते हैं। देखिए चूजे बहुत सुंदर प्यारे, देखिए आप चूजे देख सकते हैं। ये हंस अपने छोटे चूजों को लेके घूम रही हैं, बहुत सुंदर आकर्षक। तो किसान भाई, आप हंस यदि पालना चाहते हैं या कोई ऐसे जो शौकिया तौर पे घर की खूबसूरती के लिए पालना चाहते हैं तो आसानी से हंस पाल सकते हैं, और इनको कोई भी घर का बचा खुचा आप खाना भी इनको खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसका पालन किया जा सकता है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वाला है, अच्छा इधर दो गो है, इधर चार गो है, ठीक, अच्छा ठीक। दिखाई दे रहा है कि कर सकते हैं, ठीक ठीक खाने सकती है कि नहीं, ये तो खा रही है। क्या करते हैं?